Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we will take up one very important question which is a mystery for the science and religion or spirituality both. And the question is, as we have said earlier, there are so many Jeevatmas, uncountable. So many Jeevatmas. Now, do all the Jeevatmas take different bodies, or only a few or some of them take up the body? If we assume that some of the Jeevatmas start taking up different bodies, there are so many bodies, or you can say the layers of bodies, the causal body, the subtle body, the physical body, okay, as we see, we experience in our own being. Now, does a very few, right, or some of the Jeevatmas take up these bodies, or all the Jeevatmas take up the bodies? And we'll try to explore into this question from the yogic science point of view, because for science, it is quite mysterious, it is clueless, because firstly, they don't believe in Atma, Paramatma and Jeevatmas, okay. Whatever they believe is whatever in front of them, whatever is tangible to them, like physical entities, the objects, okay. So they deal with everything from the objectively, from the object point of view. But for spiritualist or the people in religion, they are also very, very confused. Here, they don't seem to be aware of, they don't seem to know exactly what is the case, whether there are multiple Jeevatmas and all the Jeevatmas take up these bodies, causal, subtle and physical bodies, or just a few Jeevatmas. And if the Jeevatma take up the body, on what ground, on what basis they start creating these bodies? Okay, so all these questions we will take up today from the yogic science point of view. शर्मा जी, योगिक साइंस के हिसाब से क्या सारी जीवात्माएं, जैसा आपने कहा कि तीन जो मूल सिद्धांत हैं, एक तो चेतन के प्योर एनर्जी है ना, जिसको हमने एक वर्टिकल अंडा बनाया था, एग बनाया था, और एक जो पड़ा हुआ था वो प्रकृति है या आत्मा है, उसके अंदर बहुत सारी जीवात्माएं हैं, ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत नाना प्रकार के जीवात्माएं हैं। आगे जब वो आगे निर्माण करते हैं, ठीक है, जो शरीर के निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं, कारण शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो और भौतिक शरीर, ठीक है, तो और प्राण शरीर, बहुत सारे शरीर हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो इन शरीरों का निर्माण क्या सारे ही जीवात्मा कर सकते हैं, या कुछ जीवात्माएं करती हैं? यदि कुछ जीवात्माएं ही करती हैं तो किस आधार पर करती हैं, क्या वहां पे क्या मैथमेटिक्स है कि वो शरीर के निर्माण में संलग्न हो जाती है? जी, इसमें योगिक हमारा विज्ञान जो है वो ये कह रहा है कि आध्यात्मिक लाइन अनुभव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तीन पोजीशन जो जीव, हम पहले से जो हमने बताया है कि जीवात्मा है और एक आत्मा है जिसे प्राकृतिक आप कह रहे हो, तो या शास्त्र भी प्राकृतिक कहता है, उसमें कोई अंतर नहीं, नाम नहीं है वहाँ, नाम से हम नहीं है, स्थिति से है, स्थिति से है, नाम नहीं है, तो जो आत्मा है और जो परमात्मा हम जिसे कहते हैं, तो जिसे चेतन भी कहा जा सकता है, कहते हैं चेतन, कहा जाने जा सकता, कहते हैं चेतन ही उसे कहते हैं, तो परमात्मा को एक चेतन भी नाम है। तो ये जो तीन स्थिति हमने बताई हैं, किसी चीज की निर्माण करने के लिए पहले तो ये चीज देखना पड़ेगा कि ये तीनों स्थिति जो निर्माण है वो तीन तरीके की प्रक्रिया में आनी चाहिए, तब निर्माण हो पाएगा। स्थूल का अगर निर्माण करना है तो वो स्थूल तो आखिरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है, तो दो पोजीशन इसकी और स्थिति जानी चाहिए। तो दो पोजीशन में चाहे शास्त्र जैसे हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर बताता है, तो इन शरीरों का जब भान होता है, जब इसका निर्माण होता है, तो इसके निर्माण के बगैर स्थूल शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो जब ये इसका निर्माण होता है, कारण शरीर में होता है, सूक्ष्म शरीर में निर्माण होता है, तो जो हमने मूल के हमारे जो तीन पोजीशन हैं
वहां पर जो वो तीन पोजीशन है, इसी तरीके तीनों की तीनों पोजीशन उस कारण शरीर के में हर स्थिति में हर अंडे में वहां उपलब्ध होती हैं। जो कारण जहां कहा जा रहा है, जो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में जो अंडे इस प्रकार के हैं, जो हमारी समझ से और हमारी उससे बाहर जो नए समझ पाते हैं, तो शास्त्र से सूक्ष्म कारण कह करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो पल्ला झाड़ने से पता क्या होता है कि ना तो समझाने वाला कोई व्यक्ति होता है, ना समझने के लिए कोई तैयार होता है। तो इसलिए वो सूक्ष्म कारण कह करके पल्ला झाड़, स्थूल हमें समझ में आता है, स्थूल सुनने वालों को समझ आता और सुनाने वाले को भी समझ आता। यहाँ पे सब बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अंडे हैं और जो उसके बनने की प्रोसेस है वो हमारा सूक्ष्म दूसरी पोजीशन पे पहली बनी हुई है, वहाँ से बन रहा है। तीसरी पोजीशन पे कारण में वो चीज वहाँ पे बन रही है। तो जो ये बन रही वाली चीज है, ये लगातार जिसे हम बनना कहते हैं, मगर हमारी तो समझ में ऐसा आता है जिसे हम बनना कहते हैं, अगर उसका दूसरा पक्ष है तो उसे हम बिगड़ना कहते हैं। तो ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति में ये जो तीन पोजीशन है, इसमें सभी जीवात्माएं, जो सूक्ष्म जीवात्माएं हैं या जो परमात्मा वाली एक जो एक जीवात्मा है, या जो अंडे के अंदर जीवात्माएं हैं, या जो पहले पड़ी एक जीवात्मा है, क्या ये जीवात्माएं सभी की सभी ही केंद्रित हो जाती हैं और सभी की सभी निर्माण में लग जाती हैं? तो उसके लिए बिल्कुल एक अनुभव वाला सीधा सवाल ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जीवात्मा जो हमारी पहले हमने बोली थी कि ये पड़ी हुई लेटी हुई जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा है ये सूक्ष्म होकर के अंडे में है, ये उससे बड़ी होकर के परमात्मा सर्कल लगा रही है। ये जो जीवात्मा है ये हर हालत में वहां जो कार्यरत कर रही है, सिर्फ ये कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में स्थूल में तीनों जगह पे ये पोजीशन बना रही है, और ये एक के बाद एक ये ठोस निर्माण कर रही, ठोस। तो जो ठोस निर्माण कर रही है, ठोस वाले को तो हम जानते हैं, जो सॉफ्ट हैं हम उन्हें नहीं जानते। ऐसी हालत में तीन जो पोजीशन हमने निर्माण करी हैं, ये जानना जरूरी है कि हमें कारण शरीर में ये जो केंद्रित बहुत सारी नाना प्रकार अंडे के अंदर जो जीव आत्माएं हैं, वो जीव आत्माएं साकार से निराकार में स्लो चल रही हैं, स्लो धीरे चल रही हैं जी, अपनी गति के अनुसार, अपनी गति के अनुसार। बाहर वाले जो उसके अंडे को बाहर से जो कंट्रोल कर रहा है, उसमें जो परमात्मा है वो तेज गति में चल रही है। तो जो अंदर वाली साकार से निराकार में प्रवेश होने के लिए सामने आ गई हो, वहां सामने आ गई हो अंडे के अंदर, और परमात्मा वाली जो जीवात्मा बड़ी वाली है ये उसके सामने आ गई हो, आमने सामने अगर ये आ गई हैं, तो ये आमने सामने होने से एक अनुभव किस चीज का आया उसको अंडे वाले को, कि अब वो इसकी मदद से, इसकी समझ से, इसकी सारी गणित से, जो इसका मैथमेटिक है, इसका इसका सारा सिस्टम है, जो इसका इसका सारा तरीका है, वो उसको ज्ञान में आ गया, समझ में आ गया, अनुभव में आ गया आमने सामने होने से। इसलिए अब वो जो अंडे के अंदर छोटी सूक्ष्म जीवात्मा है, अब वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी, चाहे वो निराकार में करे और चाहे वो साकार में करे, जी दोनों में करे। तो निराकार में भी सूक्ष्म में बहुत बड़ा बीज का भी उत्पत्ति होगी, और फिर उसके बाद में साकार में वो बीज प्रवेश होगा, फिर इधर, तो वो तो ये क्रिएटिंग की बात, जो इकट्ठे होने की बात है, वो तो दोनों में है, वहाँ सूक्ष्म है, यहाँ थोड़ा मोटेपन में है। तो ये जो उसने जो प्रक्रिया शुरू, ये ऐसा नहीं है कि ये जो एक जीव आत्मा ने तो ये चीज समझ ली, उसने समझ में आ गई, अब वो जो क्रिएट करेगी, जो सबको इकट्ठा करेगी, दूसरी जो जीव आत्मा है वो ना समझ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी सारी की सारी उतनी ही समझदार है, क्योंकि वो सारी की सारी मूल से सफर करके आ रही है, सफर करके आ रही है, इसलिए सारे अनुभव है उनको, सारी जानकारी है। मगर सवाल यहाँ इस बात का है कि उनका आमना सामना नहीं हुआ है, इसलिए वो उस टाइप का उनको ज्ञान नहीं है। मगर आमना सामना हो जाएगा तो उनको वही उसी टाइप का ज्ञान हो जाएगा, तो उसी टाइप की समझ आ जाएगी। तो ये चीज समझ में उनकी तो है, मगर वो आमने सामने होने की वजह से वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है।
अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष होने के कारण अब वो सारी वो चिपकने के लिए जैसे वो उनको अटैक्ट करती है अपनी तरफ, तो वो आने के लिए तैयार हो जाती, ठीक है हम भी आ गए, मगर अगर उसमें से आमना सामना हो जाएगा तो वो नहीं आएगी, वो चीज नहीं आएगी वहां पे। तो कोई एक जीवात्मा ऐसा सौभाग्य किसी एक के लिए मिलता है और वो जाकर के दूसरे जो है ना वो उसको सपोर्ट करके एक शरीर का निर्माण करती हैं। तो यहाँ साइंस को और आध्यात्मिक को ये चीज़ बहुत सोचना और समझना बड़ा जरूरी पड़ेगा कि जो आप स्थूल में जो चीज़ देख रहे हो अंडे, वो सूक्ष्म में भी एक सॉफ्ट अंडे हैं और कारण में भी एक सॉफ्ट अंडे हैं और जाकर के मूल में भी आपके एक सॉफ्ट अंडा ही है, एक तो वहाँ एक है। और यहाँ जो अनेक हैं, आपको जो अनेक सिस्टम है, ये हमने पहले बोला था कि ये सभी चीज़ें निर्माण और बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ आपकी काल्पनिक है। तो ये जो काल्पनिक बनने की प्रक्रिया है ये बिल्कुल ठोस स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि ये सफ़र इसका लंबा हो चुका है। अगर इसका सफ़र नज़दीक रहता, ये मूल के साथ में होती पहली पोजीशन पे, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई साहब ये मूल है और ये जो है ना ये चीज जो प्रक्रिया है ये नकली है, ये सिर्फ बनावटी है, ये जगत सिर्फ दिखाई देता है मगर है नहीं, ये चीज वहां क्लियर हो जाती, मगर पोजीशन बहुत पार कर चुके हैं, इसलिए हम में पक्का हो गया कि जगत है। तो ये चीज जो है ना ये चीज समझना आध्यात्मिक के लिए बड़ा जरूरी है और यही चीज समझना साइंस के लिए बड़ा जरूरी है। जब ये चीजें समझ में आएंगी, जब इनका आप अध्ययन करेंगे, इनको खोज करेंगे, तब आपकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और स्थिति स्पष्ट हो गई तो हो जाएगी। ऐसा हमने एक और उदाहरण दिया था कि अगर आत्म साक्षात्कार होता है तो लाखों में करोड़ों में एक ऐसा प्राणी होता है उसे आत्म साक्षात्कार होता है, बाकी को नहीं होता है। तो वो आमने सामने आ गया है, वो आत्मा के वो जीव आमने सामने आ गया है, इसलिए उसे इस चीज का अनुभव हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि ये बदलेगा नहीं, ये से अमर हो चुका है, ऐसा नहीं, ये संभव नहीं, कोई अमर उमर नहीं है और कोई मोक्ष फोक्ष नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं, चाहे कहीं भी लिखी हो कि चेंजेबल है, हर चीज बदलती है। तो ये कोई बहुत तीव्र बदलती है और कोई बहुत टाइम लेती है, तो जिसे टाइम लेती है बदलने के लिए हम उसे अमर कह करके छोड़ देते हैं, सूर्य देवता अमर हैं, क्योंकि हम तो कई बार मर लेंगे तब तक सूर्य देवता तो रहेंगे, तो इसलिए हम उनके बारे में उनके बदलने की प्रक्रिया को या बदलने के लिए हम उन्हें नहीं जानते, इसलिए अमर कह के हम उसे छोड़ देते हैं। तो इस अमृत को आप अमर जानते होगे, मोक्ष जानते हो, हम नहीं जानते। तो ये विषय है इस विषय पे। ओके, सो फंडामेंटली स्पीकिंग, इफ वी सी द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, द प्रकृति एंड जीवात्मास, from the yogic science point of view, what Sharma ji is proposing, not all the jivatmas are capable to form all types of bodies. So, a very few jivatmas, okay, which comes in the alignment of the energy of consciousness, which is outside the prakriti, outside of them, okay, only that jivatmas get centered. And once it gets centered, it starts attracting other jivatmas towards it. And what are these bodies? The causal bodies, the subtle bodies, and the physical bodies. These are nothing but the accumulation of all these jivatmas. So once a jivatma gets centered, and how does it get centered? Okay, if it gets in the alignment of the energy of consciousness or the consciousness, okay, then it gets centered, right? And or you can say it is in front of that consciousness energy, the energy of consciousness. Once a jivatma gets centered, it starts creating these layers of jivatmas. Okay, the first layer, which is known in the spirituality, is the causal body. And there you can say they are very very soft, they are invisible. Okay, that is why scientists don't believe in these bodies, because it is invisible, they are very very soft. Okay, far far softer than their electrons and quarks and all those subatomic particles. So it is
that much soft. Okay, and then they attract the jivatmas of causal body, they attract the jivatmas of subtle body, and from the subtle body, the jivatmas of the physical bodies are attracted towards it. Okay, in this way, these three layers of body, the main layers, causal, subtle and physical bodies, okay, they gets formed, okay, on the basis of the jivatmas which got centered, okay, due to being in the alignment of the energy of consciousness, which is outside the prakriti. So, in this way, from the yogic science point of view, we can understand that not all the jivatmas, but once in a while, jivatmas may get centered and may be able to form the body. Okay, so it becomes very clear for the spiritualist, I would say, because scientists, it is very difficult to explain these bodies to them, because they have not yet recognized the existence of these bodies also. If somehow they will be able to, in the future, I'm telling you, if in the future they get to recognize the existence of these bodies also, then they will also be able to understand the fundamental principles of the whole cosmos, of the whole life. Thank you very much.